जय माता दी। वेलकम बैक टू सोनिका किचन। आज मैं आप लोग के लिए न्यू रेसिपी लाई हूँ, डोमिनोज स्टाइल बटर स्कॉच माउजी केक। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं सोनिका किचन। स्कॉच माउजी केक बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, जिसे मैं छन्नी में डाल रही हूँ। आप कोई सा भी कप ले सकती हैं मेजरमेंट के लिए। 1/3 कप मैं इसमें पिसी हुई शुगर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें खाने वाला सोडा ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें कोको पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें और कोकोआ पाउडर ऐड कर देंगे। फॉर्क से इस सब मटेरियल को जो है हम मिक्स कर देंगे और छन्नी से हम छानते जाएंगे। छन्नी से इस बैटर को, हम केक के जो बैटर को इसलिए छानते हैं जिससे जो केक का बैटर है एकदम स्मूथ बने, उसमें कोई शुगर पीसी हुई में कोई लम्स रह जाता है या मैदे में है तो कोई लम्स ना जाए। तो हमें ऐसे ही जल्दी जल्दी इस बैटर को छानना है। हरी तले की एक कढ़ाई ली है जिसे मैंने प्री हीट होने रख दिया है और अब इसे ढक के रख देंगे प्री हीट होने 10 से 15 मिनट के लिए। और हमको जो है कढ़ाई को लो फ्लेम पर ही ढके रहने देना है। तो ये मैंने टिन लिया है केक बनाने के लिए, इसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है चारों तरफ से। मैं हल्का हल्का जो है हम मैदा भी डस्ट कर देंगे जिससे केक हमारा नीचे से चिपकेगा नहीं। अब इसको हम चारों तरफ से फैला लेंगे ऐसे कर करके, चारों कोनों में हम इस मैदे को जो है डस्ट करते हुए चले जाएंगे, इससे हमारा जो केक है बिल्कुल नहीं चिपकेगा। अब इस पर हम बटर पेपर लगा देंगे और बटर पेपर लगाने के बाद भी हम यही प्रोसेस रखेंगे, ऑयल से ग्रीस करेंगे बटर पेपर को और मैदा उसके ऊपर हल्का हल्का डस्ट कर देंगे। हमें बटर पेपर को चारों तरफ से सेट करना है। हमने ये केक टिन तैयार कर लिया है, अब इसको हम एक साइड पे रख देंगे। अब हम इस बैटर में हम 1/4 कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल भी कोई हमें फ्लेवर वाला नहीं डालना है, आप चाहे तो इसमें बटर का भी यूज कर सकती हैं। 1 टेबल स्पून में वेनिला एसेंस ऐड कर रही हूँ जो कि केक में बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। 1 कप मैंने मिल्क लिया है जिससे इस बैटर को जो है हमें मिक्स करना है। तो मिल्क जो है हमें थोड़ा थोड़ा डाल के ही यूज करना है इस बैटर में और हैंड विस्कर को हल्के हल्के ही एक राउंड में ही लेते जाना है। अब इसमें थोड़ा मिल्क और डाल देंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। हमें हैंड विस्कर को एक ही साइड पे चलाते रहना है और इसे हल्के हल्के हाथों से ही एक साइड पे घुमाते रहना है, स्पीड में नहीं घुमाना है। अभी इसमें मैंने और मिल्क ऐड किया है, हमें थोड़ा थोड़ा ही मिल्क ऐड करना है, एकदम 1 कप नहीं डालना है नहीं तो बैटर जो है बहुत पतला भी हो जाएगा। देखिए ये बैटर जो है अभी भी थिक है, अभी इसमें हम और मिल्क ऐड करेंगे। देखिए थोड़ा सा ही मिल्क रह गया है तो हमें हल्के हल्के ही थोड़ा मिल्क डालना है और इसको मिक्स कर देना है। ये केक की रेसिपी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ लेकिन अब जो है बटर स्कॉच चॉकलेट माउजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो मैं आपसे पूरी रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ जिससे आपको कोई मिस्टेक ना हो रेसिपी बनाते समय। तो ये देखिए केक जो है अभी भी थोड़ा थिक ही लग रहा है, अभी जो है इसमें थोड़ा मिल्क हम और ऐड करेंगे। जब तक बैटर हमारा एकदम स्मूथ नहीं हो जाता हमें हल्का हल्का मिल्क ऐड करके हैंड मिक्सर से इसको चलाते रहना है। ये देखिए मैंने पूरा 1 कप मिल्क ऐड कर दिया है तो अभी भी मुझे थोड़ा लग रहा है चलाने में थोड़ा हैवीपन लग रहा है, तो इसमें मैं जो है थोड़ा मैंने 2 चम्मच दूध और लिया है उसको भी हम ऐड कर देंगे और इसको जो है हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमारा बैटर हो गया एकदम तैयार, एकदम स्मूथ हो रहा है और केक के बैटर की यही पहचान है, जब वो रिबन की तरह एकदम गिरने लगे स्मूथ से तो इसका मतलब हमारा बैटर पूरा परफेक्ट तैयार हुआ है। अब इसको हम डिब्बे में पलट देंगे। देखिए केक बैटर जो है मैं डिब्बे में पलट दूंगी। देखिए केक बैटर को जो है मैंने केक टिन में पलट दिया है। जो हमने कढ़ाई प्री हीट होने रखी थी अब उसमें ये हम केक टिन रख देंगे और इसको ढक देंगे कि केक जो है पूरा कवर्ड हो। ये देखिए केक को मैंने ऐसे कंप्लीट ढक्कन से ढक दिया है। इसको अभी हमें लो ही रखना है। अब इस केक को बनाने में हमें कम से कम 50 मिनट लग जाएंगे लेकिन केक को हमें 10-15 मिनट में जरूर एक बार चेक करते रहना है। इस 45 मिनट हो चुके हैं केक को और मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि केक हमारा रेडी हुआ है या नहीं।
तो अब हम इसमें क्या करेंगे, केक जो है फूला हुआ लग रहा है, काफी फूल चुका है, तो अब मैंने ये स्टिक ली है उससे हम चेक कर लेते हैं। तो ये यानी केक जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। रेडी होने की निशानी यही है कि स्टिक पर जो है केक हमारा चिपका नहीं है। तो अब हम जो है फ्लेम को ऑफ कर देंगे, आधे घंटे तक के लिए केक को कढ़ाई में ही रहने देंगे और उसे ढककर ही रखेंगे। तो अब जो है हम केक को बाहर निकाल लेते हैं, केक के ऊपर हम प्लेट रख देंगे और उसको जो है हम उल्टा कर देंगे और डिब्बे को हम ऊपर से हल्का हल्का उठा लेंगे। तो ये देखिए मैंने डिब्बे को ऊपर से उठा लिया है और जो ये पेपर लगा था बटर पेपर, इसको भी हम हटा देंगे। तो ये देखिए बटर पेपर को जो है हम हल्का हल्का पूरा हटा देंगे इसमें। तो ये देखिए बटर पेपर को मैंने हल्के हल्के हाथों से हटा दिया है और ये आप हमारा केक देखिए एकदम स्पॉन्जी बना है। देखा कितना सॉफ्ट बना है। इसकी रेसिपी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, ये रेसिपी मुझे स्टार्टिंग से शेयर करनी थी इसीलिए मैंने आपको चॉकलेट केक की भी रेसिपी बताई है। तो ये देखिए केक के जो है मैंने दो पीस कर लिए हैं, इसको जो है हम एक साइड पे रख देंगे। बटर स्कॉच मौजी बनाने के लिए ये मैंने लो फ्लेम पर एक कढ़ाई रखी है। अब इसमें हम 1 कप शुगर ऐड कर देंगे। हमें जो है शुगर को कैरामेल करना है, शुगर को हमें बीच बीच में स्टर करते रहना है। ये देखिए शुगर जो है ठीक हो गई है और हल्के हल्के जो है शुगर कैरामेल हो जाएगी। हमने जो है फ्लेम को लो ही रखा हुआ है। ये देखिए शुगर जो है कैरामेल हो गई है। तो ये देखिए ये मैंने थोड़ा सा बटर डाला है 1 टेबल स्पून। और एक जो है मैंने बड़ी टेबल स्पून इसमें डाली है कंडेंस मिल्क ऐड किया है। अब इसको जो है हम मिक्स कर देंगे और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। फ्लेम को जो है मैंने ऑफ कर दिया था। थोड़ा कंडेंस मिल्क डालने के बाद कंटिन्यूसली थोड़ा हिलाना चाहिए। लाइट शुगर जो है अब हमारी रेडी हो गई है एकदम। अब इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। ये देखिए केक का जो मैंने एक साइड है वो अभी एक प्लेट पे अलग कर लिया है। स्कॉच केक के लिए मैंने एक ग्लास लिया है जिससे कि मैं नीचे इसको केक के ऊपर रख के नीचे ऊपर से प्रेस कर दूंगी। तो ये देखिए मुझे ग्लास के साइज का जो है केक का पीस निकालना था तो मैंने ग्लास को उल्टा करके उसे प्रेस करके एक पीस निकाल लिया है। ऐसे ही हम 2-3 पीस निकाल लेंगे। इसको भी हम ग्लास से बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसको अब हम अलग कर देते हैं। अब इसको हम एक साइड पे रख देंगे। तो ये देखिए मैंने एक कांच का बॉल लिया है और ये मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है, थोड़ी सी मैंने और ली है, यानी 1.25 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। आप चाहें तो 1 कप भी ले सकते हैं। अब इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेंगे क्रीम को। क्रीम को अच्छे से बीट करना है। तो ये देखिए क्रीम जो है अच्छे से व्हिप्ड हो गई है और हमारी शुगर जो है जम जाती है, थोड़ी थिक हो जाती है। तो उसे आप फिर लो फ्लेम पर करके उसे मेल्ट कर लेंगे और इसमें जो है ऐड कर देंगे। देखिए अभी मैंने उसे जो है लो फ्लेम पर किया था, उसे हल्का हल्का मेल्ट कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इस चीज का ध्यान रखें जो कैरामेल शुगर है वो जम जाती है थोड़ी। ड्रॉप बटर स्कॉच की ऐड कर देंगे। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। तो अब ये देखिए शुगर को जो है मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। शुगर हमने थोड़ी गर्म करी थी तो उस वजह से क्रीम जो है हमारी फूल नहीं पाती है। अब इस क्रीम को मैं 1.5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देती हूँ। ये मैंने 2 ग्लास लिए हैं जिसमें मैं एक चॉकलेट केक का पीस लगा देंगे। अब ये जो थोड़ा सा मैंने शुगर सिरप बनाया था उसे डाल देंगे। ऐसे ही हम दूसरे ग्लास में डाल देंगे। ये मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है। अब क्रीम को जो है इस पाइपिंग बैग में डाल देंगे। तो ये देखिए क्रीम भी जो है हमारी अच्छे से सेट हो गई है। तो ये देखिए अब बीच में जो है हम मौजी बनाते चले जाएंगे ऐसे ही। ऐसे ही इसमें दूसरा पीस डाल देंगे केक का।
और इसके ऊपर भी हम पाइपिंग बैग से क्रीम डालते जाएंगे। जो है हम एक पीस केक का डाल देंगे। एक उसमें जो है केक की हम 3 लेयर कर देते हैं। ये मैं थोड़े से चोको चिप्स डाल ली ऊपर से, जो कि बच्चों को बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो ये हो गया हमारा बटर स्कॉच मौजी केक तैयार। आप भी बच्चों को ऐसी रेसिपी घर में बनाइए और खिलाइए, और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं ऐसी रेसिपी के साथ। तो आप भी बच्चों को घर में जरूर खिलाइए इस रेसिपी को बना के। तो अगर यदि मेरी वीडियो पसंद आती है आपको, तो जरूर लाइक व सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।